नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 31 मई दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की इन दो बिजली कंपनियों ने किया बेहतर प्रदर्शन। 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर होगा चुनाव। इतने मतदाता करेंगे मतदान। बिहार के इन जिलों में लू को लेकर अलर्ट, तो इन जिलों में बारिश की है संभावना। पंकज त्रिपाठी की मोस्ट अवेटेड मिर्जापुर सीजन 3 सीरीज इस दिन होगी रिलीज। पैन कार्ड धारक ध्यान दे, आज नहीं किया ये काम तो हो सकती है परेशानी। इस बार T20 वर्ल्ड कप में ये टीम भारत के लिए बन सकती है खतरा। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BSF ने इतने पदों पर निकाली भर्ती। सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल के 162 पदों पर भर्ती आई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://rect.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की इन दो बिजली कंपनियों ने किया बेहतर प्रदर्शन। देश के कई राज्यों की बिजली कंपनियों को पीछे छोड़ बिहार की बिजली कंपनियां आगे निकल चुकी हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार बिहार की दोनों ही वितरण कंपनियों ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए रेटिंग में बढ़िया प्रदर्शन किया है। दोनों ही कंपनियों का प्रदर्शन वित्तीय और आंतरिक कार्यों के आधार पर काफी अच्छा रहा। रेटिंग के मुताबिक पिछले साल नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 45वें पायदान पर था, जो अब 37वें पायदान पर आ चुका है। वहीं बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 47वें पायदान पर था, जो अब 38वें पायदान पर आ चुका है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में बीते 12 वर्षों से बिजली कंपनियों की रेटिंग और रैंकिंग जारी हो रही है। केंद्र सरकार ने देश की सभी 55 बिजली कंपनियों की रेटिंग जारी की है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही बिजली कंपनी शामिल है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अमिय चरण बैनर्जी के बारे में। ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और प्रोफेसर थे। इनका जन्म 23 जनवरी वर्ष 1891 में बिहार के भागलपुर में हुआ था। इन्होंने कानून की पढ़ाई भी की थी। ये 1953 से लेकर 1955 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। इन्होंने भारत और विदेशों में कई विश्वविद्यालयों के लिए डॉक्टरेट थीसिस के लिए परीक्षक रहे। आज इनकी पुण्यतिथि है। ये आज के ही दिन वर्ष 1968 में दुनिया को अलविदा कह गए थे। शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी नहीं मिलने पर सोशल मीडिया पर जता रहे नाराजगी। भीषण गर्मी की वजह से सरकारी स्कूल में कई बच्चों के बेहोश होने और गर्मी की वजह से तबीयत खराब होने की खबर सामने आ रही थी। मामला अधिक बढ़ता देख राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 8 जून तक गर्मी की छुट्टियां दे दी, लेकिन ये छुट्टी केवल बच्चों के लिए ही है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई है। शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलने पर शिक्षक काफी नाराज नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर बीते दिन #TeachersLivesMatter ट्रेंड हुआ है। 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर होगा चुनाव। इतने मतदाता करेंगे मतदान। बिहार के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। कल यानी 1 जून को आखिरी और 7वें चरण का चुनाव बिहार की 8 सीटों पर होगा, जिसमें पटना साहिब, पाटलिपुत्र, नालंदा, आरा, सासाराम, काराकाट, बक्सर और जहानाबाद शामिल है। इन सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे और शाम के 6 बजे खत्म हो जाएंगे। आखिरी चरण के 8 सीटों पर कुल 1,62,04,594 वोटर्स मतदान करने वाले हैं। इन सभी सीटों पर कुल 134 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 12 महिलाएं शामिल हैं। क्या आपको पता है एक प्लेटफॉर्म टिकट से कितने देर तक रुक सकते हैं स्टेशन पर? आप ये तो जानते होंगे कि ट्रेन से यात्रा करने वालों को टिकट लेना जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग स्टेशन पर अपने परिजन या जान पहचान वालों को छोड़ने या रिसीव करने आते हैं, तो उन्हें भी टिकट लेना जरूरी होता है। इस टिकट को हम प्लेटफॉर्म टिकट कहते हैं। ये टिकट 10 रुपए की मिलती है। लोग चाहें तो उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से खरीद सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट भी खरीद तो लेते हैं, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता है कि इस टिकट की अवधि क्या होती है। एक टिकट को लेकर हम कितने देर प्लेटफॉर्म पर रुक सकते हैं? तो आपको बता दें कि एक प्लेटफॉर्म टिकट की अवधि 2 घंटे तक की होती है। यदि आप 2 घंटे से भी ज्यादा तक अपना समय स्टेशन पर बिताते हैं, तो आप पर 250 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिहार के 39 वरीय अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं किया जारी। राज्य सरकार ने बिहार के वरीय अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार के आदेश के बावजूद भी प्रदेश के 39 वरीय अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित नहीं किया है। संपत्ति का ब्यौरा घोषित नहीं करने वालों में 36 सीनियर IAS और 3 IPS अफसर शामिल है। सामान्य प्रशासन द्वारा इन्हें संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर अल्टीमेटम जारी किया गया है। प्रावधान के मुताबिक यदि ये अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करते हैं, तो इनकी वेतन कटौती की जाएगी, साथ ही इन पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
पंकज त्रिपाठी की मोस्ट अवेटेड मिर्जापुर सीजन 3 सीरीज इस दिन होगी रिलीज। मिर्जापुर देश की सबसे चर्चित वेब सीरीज बन चुकी है। जल्द ही मिर्जापुर सीजन 3 भी रिलीज होने वाली है, जिसका मिर्जापुर के फैंस भी सबरी से इंतजार कर रहे हैं। इस सीजन की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। इस बार भी सीजन में बिहार के पंकज त्रिपाठी अपने फैंस को एंटरटेन करते नजर आएंगे। पंकज त्रिपाठी के साथ रसिक दुग्गल, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता गौर और विजय वर्मा भी नजर आने वाले हैं। हालांकि इनके अलावे 3 और नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मिर्जापुर का तीसरा सीजन 9 जुलाई को Amazon Prime वीडियो पर स्ट्रीम होगा, लेकिन सीरीज मेकर्स ने इसे लेकर कोई आधिकारिक डेट की घोषणा नहीं की है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे चिरांद के बारे में। यह स्थान बिहार के सारण जिले में स्थित, जिला मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में घाघरा नदी के उत्तरी तट पर डोरीगंज बाजार के निकट मौजूद है। यहाँ पाषाण युग की विकसित संस्कृति के बारे में खुदाई के दौरान पता चला था, जो करीब 4 वर्ष पुरानी है। यही वो स्थान रहा जहाँ पूरे भारत में नवीन पाषाण युगीन संस्कृति प्रकट हुई थी, जिसके बाद यह स्थान एक महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र के रूप में उभरा था। उस दौरान लोग यहाँ पशुपालन, कृषि और शिकार किया करते थे। यदि आपको पुरातात्विक चीजों को जानने का शौक है तो आप यहाँ भ्रमण के लिए आ सकते हैं। बिहार विमेंस कबड्डी लीग के 6 टीमों की हुई घोषणा। बिहार विमेंस कबड्डी लीग के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने 6 टीम की घोषणा कर दी है। इन 6 टीमों में सीतामढ़ी सेंटिनल्स, पटना पेलिकेंस, मगध वॉरियर्स, नालंदा निजांस, सिवान टाइटंस और सारण स्ट्राइकर्स शामिल है। सभी टीमें 10 से 16 जून तक खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगी। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाला है। पैन कार्ड धारक ध्यान दे, आज नहीं किया ये काम तो हो सकती है परेशानी। अगर आप पैन कार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना बेहद ही जरूरी कर दिया गया है। यदि आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो 1 जून से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पैन को आधार से लिंक नहीं करवाने पर 2x TDS का भुगतान करना पड़ सकता है। आयकर विभाग द्वारा इस संबंध में सर्कुलर जारी किए गए हैं। यदि करदाता यानी जो टैक्स पे करते हैं और वे ऊंचे दर पर टैक्स की कटौती से बचना चाहते हैं तो 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करवाना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से बिहार के विश्वविद्यालयों के बजट को नहीं मिली स्वीकृति। विश्वविद्यालयों के बजट प्रस्ताव की समीक्षा के लिए 15 से 29 मई तक शिक्षा विभाग ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विश्वविद्यालयों के कुलपति समेत अन्य पदाधिकारियों को शामिल होना था, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा बुलाए गए इस बैठक में केवल कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के ही कुलपति शामिल हुए थे। अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति के नहीं आने से बैठक नहीं हुई और बैठक नहीं होने के कारण बिहार के विश्वविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को स्वीकृति नहीं मिली है। बजट स्वीकृति नहीं होने के कारण वेतन, पेंशन और नए मदों में राशि भी नहीं भेजी जा रही है, जिससे विश्वविद्यालयों का संकट और बढ़ चुका है। कई शिक्षक और शिक्षकेतर तो ऐसे हैं जिनका वेतन जनवरी महीने से ही नहीं मिला है। वहीं फरवरी महीने से किसी को भी वेतन या पेंशन नहीं भेजा गया है। उपस्थिति दर्ज करवाकर स्कूल से गायब हुए शिक्षक, शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कोशिशें कर रहा है। देरी से आने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती की जा रही है, साथ ही लापरवाह शिक्षकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब इसी कड़ी में अररिया जिले से जांच के दौरान पाया गया कि स्कूल पहुंचकर और हाजिरी बनाने के बाद 15 शिक्षक स्कूल से गायब हैं। साथ ही मिशन दक्ष के तहत संचालित हो रही कक्षाओं में भी एक भी बच्चे उपस्थित नहीं थे, ना ही शिक्षक पठन पाठन में कोई रुचि ले रहे थे। इस मामले के सामने आते ही डीओ ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आधा दर्जन शिक्षकों के 1 सप्ताह और 5 शिक्षकों के 1 दिन के वेतन में कटौती कर ली गई। गोपालगंज के पुलिस कप्तान ने जिले के लापरवाह थाना अध्यक्षों पर की बड़ी कार्रवाई। गोपालगंज के पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात अभी एक्शन मोड में आते दिख रहे हैं। उन्होंने पूरे जिले के थानों में लंबित केस की समीक्षा की है और कार्य में लापरवाही बरतने वाले और निर्देशों का पालन नहीं करने वाले सभी थाना अध्यक्ष और अपर थाना अध्यक्षों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत इन सभी के वेतन पर रोक लगा दिए गए हैं। स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सभी थाना को ई कोर्ट से मिलान कर जिले में लंबित केस की सूची उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन समय सीमा के अंदर लंबित केस की सूची उपलब्ध नहीं करवाई गई है।
ऐसे में कार्यों में लापरवाही बरती गई और निर्देशों के अनुपालन भी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट से मिलान कर लंबित केस की सूची उपलब्ध नहीं कराए जाने तक सभी का वेतन बंद रखा जाएगा। बिहार के इन जिलों में लू को लेकर अलर्ट, तो इन जिलों में बारिश की है संभावना। बिहार में इस बार गर्मी रिकॉर्ड तो रही है, लू को लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। बढ़ते तापमान के कारण गर्मी से कहीं भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। आज प्रदेश में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर व खगड़िया में किया दो स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री तक भी जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 38 से 40 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है। पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। जमुई पुलिस ने इनामी अपराधी को लेकर बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी बलराम पासवान उर्फ बालो पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर हुई है। जमुई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सौर्य सुमन को पता चला था कि अपराधी अपने घर में छिपा है। सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन हुआ, फिर उसे गिरफ्तार किया गया। इस इनामी अपराधी पर लूट, किसी को जान से मारने के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हैं। पर शर्मा अररिया नई सड़क के निर्माण से 140 गांवों की बदलेगी सूरत। 6 हाईवे कनेक्टिविटी सुपौल जिले में है, जिसमें से एक पर शर्मा अररिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे भी शामिल है। पर शर्मा अररिया नई सड़क से कोसी सीमांचल के कई गांवों को फायदा होगा। इससे 140 गांव की सूरत बदल जाएगी। ये सड़क लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, साथ ही पूर्वोत्तर भारत से सीधे संपर्क के लिए ये सड़क सबसे बेहतर मार्ग में से एक होगी। डिफेंस के लिए भी पर शर्मा अररिया सड़क को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, जो पूरी तरह से ग्रीनफील्ड सड़क रहेगी। इससे प्रारंभिक सहमति भी केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है, जहां दूसरे चरण का काम शुरू हो चुका है। इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से पूरे क्षेत्र का विकास हो सकेगा। तेजस्वी यादव ने बताया इन तीन फैक्टर की वजह से चुनाव हारेंगे पीएम मोदी। बीते दिन तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बताया था कि उन्होंने 291 जनसभाएं गुरुवार को पूरी की, इंडिया अलायंस को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि इन्हें तीन फैक्टर चुनाव हरवा रही है, जिसमें सबसे पहला है बेरोजगारी, दूसरी है गरीबी और तीसरी है महंगाई। इन्हीं तीन फैक्टरों की वजह से पीएम मोदी चुनाव हारेंगे। चुनाव के आखिरी चरण में मतदाताओं से पीएम मोदी की खास अपील। 1 जून को लोकसभा के आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है। इस आखिरी चरण में वाराणसी में भी चुनाव होने वाले हैं। आखिरी चरण के चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने बीते दिन मतदाताओं से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि काशी के लोगों को मेरा प्रणाम। काशी हमारे लिए भक्ति, शक्ति और निराशक्ति की नगरी है। ये विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। माँ गंगा ने हमें अब गोद ले लिया है। अब काशी के विकास को नई ऊंचाई देने का अवसर है। ये तभी हो पाएगा जब काशी के लोग 1 जून को अधिक से अधिक मतदान करेंगे। काशी ये युवा नारी शक्ति और किसानों से विशेष आग्रह है। आप लोगों का एक एक वोट मेरी शक्ति को बढ़ाएगा, मुझे नई ऊर्जा देगा। आप लोगों को याद रखना है कि पहले मतदान फिर जलपान। राजद के आईटी सेल पर राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। राजद के आईटी सेल वालों पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल एक नितेश कार्तिकेय नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए राजभवन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस व्यक्ति ने खुद को राजद के आईटी सेल का प्रमुख और लालूवादी बताया है। इसने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि भारत के गृह मंत्री के इशारों पर बिहार के राजभवन पटना में 2 ईवीएम हैकर को रुकवाया गया है। चर्चा है कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम पी कश्यप और डॉक्टर एम के भाई है, ये दोनों व्यक्ति राजभवन में ठहरा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री ही यहाँ के गृह मंत्री हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि राजभवन में ये दोनों संदिग्ध व्यक्ति किस हैसियत से ठहरा हुआ है। क्या ये कोई आईएएस है या कोई विभाग का अधिकारी है? इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे या चुनाव आयोग देगा? सूचना ये भी है कि ये दोनों व्यक्ति ईवीएम मशीनों की हैकिंग का विशेषज्ञ हैं। राजभवन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद राज्यपाल भड़क उठे हैं और उन्होंने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस बार T20 वर्ल्ड कप में ये टीम भारत के लिए बन सकती है खतरा। IPL के बाद अब क्रिकेट फैंस T20 वर्ल्ड कप को लेकर काफी उत्साही हैं। 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका इस मेगा इवेंट की मेजबानी कर रहा है। इस इवेंट में 20 टीमें अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। ये सभी टीमें 4 ग्रुप में बांटी गई हैं। हर टीम से 2 टीमें सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। इस बार 3 टीमें ऐसी हैं जो इस टूर्नामेंट में पहली बार भाग ले रही हैं। इसमें से 2 टीमें भारतीय टीम के ही ग्रुप में शामिल हैं। इन 3 टीमों में युगांडा,
ऑस्ट्रेलिया की टीम, कनाडा की टीम और अमेरिका की टीम शामिल है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1977 में भारतीय सेना के एक दल ने पहली बार विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी। आज के दिन वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया था। आज के दिन वर्ष 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई थी। आज के दिन वर्ष 1774 में भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था। आज के दिन वर्ष 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 2010 में भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे पैरासीटामोल टैबलेट को लेकर वायरल हो रहे इस दावे के बारे में। इन दिनों सोशल मीडिया पर पैरासीटामोल टैबलेट को लेकर अजीबो गरीब दावे किए जा रहे हैं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि पैरासीटामोल टैबलेट के P500 वेरिएंट में माचुपो नाम का एक घातक वायरस मौजूद है। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस दावे की सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस तरह की फर्जी खबर पर विश्वास करने से बचे। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। IIT मद्रास ने लॉन्च किया 3D प्रिंटेड वाला दुनिया का पहला रॉकेट। इंक्यूबेट किए गए स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने IIT मद्रास में गुरुवार को सिंगल PS3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। आपको बता दें कि रॉकेट अग्निबाण सॉल्टेड भी भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। बीते दिन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सुबह 7:15 पर अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया है। एलन मस्क द्वारा व्हाट्सएप पर किए गए इस दावे का व्हाट्सएप के चीफ ने किया खंडन। अभी हाल में एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि व्हाट्सएप हर रात अपने यूजर्स के डेटा को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अभी भी ये लोग सोचते हैं कि ये पूरी तरह से एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। अब एलन मस्क के इस दावे पर व्हाट्सएप चीफ बिल कैथकार्ट ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये जानकारी बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हम यूजर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता पर लेते हैं और इस वजह से हम सभी मैसेज को एंड टू एंड एनक्रिप्टेड करते हैं। रात में भी सभी मैसेज हमारे पास नहीं आते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में आपातकालीन चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 25 मई, ऑप्शन बी है 27 मई, ऑप्शन सी है 26 मई, ऑप्शन डी है 28 मई। इसका सही उत्तर है 27 मई। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में कौन T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? ऑप्शन ए है ट्रेविस हेड, ऑप्शन बी अभिषेक शर्मा, ऑप्शन सी है बाबर आजम, ऑप्शन डी है सूर्य कुमार यादव। इसका सही उत्तर है बाबर आजम। बिहार में नंगी हड़ताल का आयोजन किस जेल से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए मुंगेर जेल, ऑप्शन बी है छपरा जेल, ऑप्शन सी है दरभंगा जेल, ऑप्शन डी है पटना जेल। इसका सही उत्तर है छपरा जेल। बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है मगध। इसका सही उत्तर है पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है राजीव कुमार, विजय कुमार मंडल, मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, मंटू कुमार, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, मिथिलेश कुमार, कुमकुम कुमारी, अतीक खान, संजीव कुमार, गुनर शर्मा, शोभानंद ठाकुर, सबीला खातून, भरत प्रसाद, मोहम्मद अनवर, मनोज कुमार शाह, रवि कुमार, कुमकुम कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की रात का सवाल है, कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको पसंद है? इसका जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।